Hello students, welcome to Exam Candy. Today I'm going to continue the series of White Revolution, Green Revolution, and then I'm going to start Yellow Revolution. So students, before that, don't forget to subscribe to our channel and also press the bell button for more video updates. So let's start the topic. येलो रिवॉल्यूशन इन इंडिया. येलो रिवॉल्यूशन कौन लाया था? सैम पित्तौरा लाए थे. कब? 1986 और 87. क्यों? मस्टर्ड सेसमी सीड्स के प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए, हम सेल्फ लाएं, सेल्फ सफिशिएंट हो जाए एडिबल ऑयल में. येलो रिवॉल्यूशन कम्स द ऑयल सीड्स जो आते हैं इसके अंदर, तो मस्टर्ड सीड्स, ग्राउंड सीड्स, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसमे, लिनसीड, कैस्टर सीड्स. यह है येलो रिवॉल्यूशन. ये सनफ्लावर है, इससे सनफ्लावर का ऑयल आता है. तो येलो रिवॉल्यूशन एक हाइब्रिड मस्टर्ड सेसमी सीड्स है जो इंक्रीज करता है एडिबल ऑयल को. ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ द ऑयल. फिर करस्पॉन्ड्स न्यू एरा ब्लूमिंग सनफ्लावर इन द स्टेट ऑफ पंजाब. मेरली 12 मिलियन टन बिकेम, हमने इंक्रीज किया 12 मिलियन से. कितना? इतना 24 मिलियन इंक्रीज किया. फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, तो अबाउट 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हमने यूज करने लगे. एक्सटेंसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इनपुट. फिर येलो रिवॉल्यूशन को बेनिफिट्स हुए फार्मर से. फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, क्रॉप इम्प्रूव किए गए. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया गया. इसको जिम्मेदारी किसे दिया गया? तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को दिया गया. और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू ऑयल इन गुजरात. नेशनल ऑयल सीड्स एंड वेजिटेबल ऑयल डेवलपमेंट बोर्ड हैज़ द पावर टू इन्हांस द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स इन अदर एरिया एज वेल. ऑयल सीड प्रोडक्शन वॉज मेनली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन एंड सनफ्लावर. नाउ इंडिया हैज अचीव सेल्फ सफिशियंसी. येलो रेवोल्यूशन के बाद हमने सेल्फ सफिशियंसी अचीव कर लिया. अभी प्रेजेंट में क्या इसकी सिचुएशन है? तो हम पहले है स्टार्टेड इंपोर्ट मलेशिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील स्टार्टेड टू इंपोर्ट ऑयल सीड्स. डिफिकल्ट टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, प्रोन टू पेस्ट एंड डिजीज. टेक्निकल ब्रेक थ्रू इन ड्राई फार्म लैंड. ड्यूरिंग द पास्ट डेकेड सोयाबीन रजिस्टर्ड द हाईएस्ट कंपाउंड एनुअल रेट. फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स. तो एनुअल वेजिटेबल सीड ऑयल सीड्स इन कल्टिवेटेड 14 स्टेट, नेमली मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु एंड 90% ऑफ ऑयल प्रोडक्शन यहीं से होता है. सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन मध्य प्रदेश, जिस उसके बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उसके बाद गुजरात में. इसका करंट क्राइसिस क्या है? 22 मिलियन टन एनुअली, ऑफ विच 13 मिलियन टन हमने इम्पोर्ट करते हैं. लास्ट ग्लोबल ईयर एडिबल हैज डबल्ड ड्यू टू लोअर प्रोडक्शन इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन, रिजल्टेड इन इंडियन एडिबल ऑयल प्राइसेस गोइंग अप शार्पली फ्रॉम 80 रुपीज टू 180 पर ईयर. इंडिया 35% ड्यूटीज एडिबल ऑयल इम्पोर्ट करता है, विच इज अनदर रीजन इज द इंक्रीज इन प्राइस. थैंक यू स्टूडेंट्स. फॉर एनी क्वेरी डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स. हमने 3 रिवोल्यूशन कवर किए गए. ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसे MS स्वामीनाथन ने, व्हाइट रिवॉल्यूशन वर्गीस कुरियन ने, और येलो रिवॉल्यूशन सैम पित्तौरा ने ओरिजिनेट किए हैं. ये तीनों व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क के लिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन ग्रेन स्पेशली व्हीट एंड राइस, और येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड्स, सेसमे, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल्स के लिए हम इंक्रीज किए गए. तो हम नेक्स्ट वीडियो में ब्लू रिवॉल्यूशन कवर करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट. Do like our video and don't forget to subscribe to our channel for more video. Stay tuned. Thank you and bye-bye.